आप देख रहे हैं पलपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन की जंग जो है वो 34वें दिन की तरफ बढ़ चुकी है और 34 दिन तक क्या कुछ रूस यूक्रेन के बीच हुआ उसकी हर एक अपडेट पलपल के जरिए आपके साथ साझा करता रहा। पर इस जंग के दौरान जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी कि 34 दिन तक ये जंग चली कैसे, और 34 दिन तक अगर ये जंग चली तो इस जंग को रोकने के लिए किन किन देशों ने क्या क्या भूमिका निभाई और आखिरकार क्यों कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, जहां पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं, वो आखिरकार एक टेबल पर कैसे बैठ करके अपने मामलों को सुलझाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। पर इन सवालों पर रोक लगाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने वो कमाल कर दिखाया है जो तमाम दुनिया के दिग्गज देश नहीं कर पाए। जहां एक दूसरे के खून के प्यासे पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ एक टेबल पर बैठने के लिए मना लिया है रसब तैयब अर्दोगान ने, और इस मामले को जल्द से सुलझाने के लिए वार्ता का जोर भी तेज हो गया है। जहां तुर्की के इस्तांबुल में 3 दिवसीय तक यानी कि 28, 29 और 30 तारीख तक बैठक रहेगी रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच, और उसके बाद जो है पुतिन और जेलेंस्की एक साथ आमने सामने होंगे। जहां तुर्की ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है तो दुनिया के तमाम दिग्गज देशों की पोल भी खुल गई है। जहां सुपर पावर अमेरिका जैसा देश अपने आप में दुनिया भर में डंका पीटता है कि वो किसी भी जंग को रुकवा सकता है, 34 दिन तक अमेरिका क्या करता रहा, और अगर अमेरिका को दरकिनार कर दिया जाए तो नाटो अपने आप में बड़ी ताकत रखता है, और नाटो के देश क्यों नहीं रूस यूक्रेन की जंग को रुकवा पाए, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो एशिया के देश क्या कर रहे थे रूस यूक्रेन जंग के बीच, क्योंकि तमाम एशिया के देशों ने अपने आप को रूस यूक्रेन की जंग से दूर रखा और न्यूट्रल यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। जहां बात की जाए पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और खासतौर पर भारत की, तो उन्होंने अपने आप को वोटिंग से दूर रखा। पर सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि अपनी 56 इंच की छाती का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कसीदे मेन स्ट्रीम मीडिया पढ़ रहा था, जो रूस यूक्रेन जंग के बीच ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस जंग को रुकवाने के लिए मोदी जी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, और मास्टर प्लान ये है कि मोदी जी ने पुतिन जी को फोन लगाया और पुतिन जी का फोन स्विच ऑफ है। ये तमाम जानकारियां गोदी मीडिया द्वारा 34 दिन तक लगातार दी जाती रही और कोई भी देश इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि आखिरकार जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं पुतिन और जेलेंस्की को कैसे टेबल पर बैठाया जाए। ये कारनामा करने वाले कोई और नहीं तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान हैं। किस तरीके से तमाम चीजें इस जंग के बीच और इस वार्ता के बीच चल रही हैं, एक बार इन रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश कर रही है। अब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की थी। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह जानकारी भी दी गई थी कि तैयब अर्दोगान ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन में युद्ध विराम और बेहतर मानवीय स्थितियों की जरूरत है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर सोमवार को तुर्की में वार्ता हुई। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के वार्ताकार डेविड आर्खामिया ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके बताया कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल 28 से 30 मार्च तक तुर्की में बातचीत करेंगे। बता दें कि दोनों देशों के बीच इससे पहले होने वाली वार्ता को यूक्रेन ने बहुत ही मुश्किल बताया था। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी और यूक्रेन में संघर्ष विराम की आवश्यकता पर जोर दिया था। अर्दोगान के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति ने क्षेत्र में मानवीय स्थिति में सुधार के लिए पुकार की है।
बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस पर सहमति बना ली है और रूसी और यूक्रेन अधिकारियों के बीच अगली बैठक इस्तांबुल में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि वे मंगलवार को होने वाली बातचीत यानी कि आज होने वाली बातचीत में पहले यूक्रेन और रूस के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एर्दोगान ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद टेलीविजन पर अपने बयान में कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर अलग अलग बात कर रहे हैं और दोनों नेताओं के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस संबंध में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी। इससे पहले रूस की तरफ से बातचीत करने वाले व्लादिमीर मेंडिस्की ने इस बात की जानकारी दी कि अगली शांति वार्ता तुर्की में हो रही है। उन्होंने कहा कि बातचीत मंगलवार 29 को शुरू होगी और बुधवार 30 मार्च को खत्म होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दोनों देशों के बीच 6 में से 4 बिंदुओं पर समझ बन चुकी है। दोनों देशों के बीच युद्ध का आज 34वां दिन है। यूक्रेन के शहरों पर रूस की कार्रवाई जारी है। खबर है कि रूस अब तक डोनेत्स्क और लुहांस्क राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास क्षेत्र कहा जाता है। साल 2014 से ही क्षेत्र पर रूस समर्थित अलगाववादियों का पूरी तरह से कब्जा है। रूस से जुड़े अलगाववादी यूक्रेन के क्षेत्रों को डोनेत्स्क पीपुल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक कहते हैं। दोनों देशों के बीच चर्चा से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के न्यूज संगठनों से कहा था कि उनका देश रूस की निष्पक्षता की मांग के बारे में गंभीरता से अध्ययन कर रहा है। इससे पहले हुए बैठक के दौरान रूस ने किव से ऑस्ट्रिया या स्वीडन जैसी न्यूट्रल या निष्पक्ष रहने की मांग की थी। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि न्यूट्रल देश युद्ध में शामिल सभी देशों से निष्पक्ष व्यवहार करेंगे और साथ ही कोई सैन्य सहयोग देने से भी बचेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ अपने देश की सहमति के रूप में रूस और यूरोप के मुद्दे में निष्पक्षता की घोषणा के लिए अपनी तत्परता व्यक्त करते हुए इस संबंध में कि किसी तीसरे पक्ष की सुविधा देने से समझौते की गारंटी की जरूरत पर बल दिया जा सकता है। जहां जेलेंस्की ने तमाम मीडिया चैनलों से एक 40 मिनट का वीडियो अपना लॉन्च किया और यह बताया कि कोई अगर तीसरा देश आकर के ये गारंटी दे कि हम इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, हम तमाम शर्तें मानने के लिए भी तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो इससे पहले अपने देश के नाटो और पश्चिम ब्लॉक में शामिल करने की वकालत कर रहे थे, अब जंग के 1 महीने बीत जाने के बाद कहा कि मास्को के साथ शांति की प्रक्रिया में वे अपनी मांगों से पीछे हटने और पश्चिम रूस विवाद में निष्पक्ष रहने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि हम शांति समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई तीसरा पक्ष इसकी गारंटी ले हम निष्पक्ष रहने और परमाणु शक्ति न बनने की तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पत्रकारों के लिए 90 मिनट में अपने वीडियो संदेश में दावा किया कि रूस का सैन्य हमला यूक्रेन में रूसी भाषी शहरों को तबाही का कारण बन रहा है। जहां जेलेंस्की 1 महीने बाद अपनी जिद छोड़ते हुए नजर आए, जहां पहले दिमाग पर सनक सवार थी कि नाटो के देश में शामिल होंगे और नाटो के देश और अमेरिका हमारा इस जंग में साथ देगा, पर नाटो ने भी इस जंग के दौरान जो है यूक्रेन से पल्ला झाड़ा। जब जेलेंस्की ने नाटो के देशों से ये अपील की कि फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए, तब भी इस पर जोर नहीं दिया गया नाटो देशों के द्वारा। और जब फ्लाइंग जोन घोषित करने की बात की जा रही थी, उसके बाद जेलेंस्की ने अल्टीमेटम दिया कि आप हमें नाटो देश में शामिल करें, तो सिरे से खारिज कर दिया गया जेलेंस्की की उस बात को, जहां वो कई सालों से जोर देकर के ये कहते रहे नाटो के देश भी कि हम आपको शामिल करेंगे, पर अब सहमति इसी बात पर बन रही है कि नाटो के देश में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। आखिरकार यूक्रेन में मची तबाही का असली कारण कौन है? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।